राम जन्मभूमि जाने का क्या चार्ज आप लोग लेते हैं? कितने रुपए? यहाँ से 10 रुपए हैं बस। आप थोड़ी दूर में आपको यहाँ पे जस्ट इस रोड के सामने जस्ट निकलेंगे, आपको श्री राम हॉस्पिटल आपको दिख जाएगा। आप यहाँ सामने देखिए जो एक पिंक कलर में, थोड़ा साइड हो जाइए, इस साइड आप देखिए कि आपको बिना धर्मशाला दिख जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद, हेलो जय श्री राम मित्रों, मैं अतुल वर्मा अयोध्या से। मित्रों आज देख सकते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि अपने अयोध्या का सबसे बड़ा सब्जेक्ट कहा जाए कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जो कि वैसे कि टूरिज्म को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा इसका यही योगदान है। आप देख सकते हैं साइड कितने भव्य तरीके से ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन बना हुआ, जैसा कि अपने हम वीडियो में दिखाए हैं कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन बाहर बाहर से कितने अच्छे तरीके से, कितने भव्य तरीके से बना हुआ है। आप जैसा कि यहाँ देखिए, काफ़ी खूबसूरत इसकी दृश्य देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी ये सुबह का समय है तो थोड़ा धूप भी नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो फिलहाल आप एक बार एडजस्ट ज़रूर करिएगा। इसी के पश्चात आज हम चल रहे मित्रों, अगर भी बाहर से कोई श्रद्धालु यहाँ अयोध्या में आता है तो वो राम जन्मभूमि दर्शन किस प्रकार से करे और किधर से जाए, सर्वप्रथम आपको वही हम बताने के लिए आए हैं। जैसा कि इसके बगल में आपको जो कि रेलवे स्टेशन, ये अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा और ये नया वाला रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अभी इसको चालू नहीं किया जा रहा है, कुछ ही समय बाद इसको चालू कर दिया जाएगा, तो आपको ज़रूर ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी अद्भुत आकृतियों में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप चेक करिए इसका, जो कि लगभग 90% काम इसका पूरा हो चुका है, बस बचा है 10%, जो कि आगे की थोड़ी बहुत फिनिशिंग का कार्य बचा हुआ है। आप उस साइड चेक करिए, उधर जो कि ये पुराना रेलवे स्टेशन है। तो कोई भी अगर आता है एक्स वाई जेड, कोई भी मित्रों अगर यहाँ पे अयोध्या दर्शन करने आता है, राम जन्मभूमि आता है, तो आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन से आप बाहर आइए, उसके बाद रेलवे स्टेशन से आपको कहीं भी एक्स वाई जेड किसी से बोल दीजिए कि ई रिक्शा यहाँ पकड़िए, और किसी से भी कह दीजिए हमें बिड़ला धर्मशाला जाना है। बिड़ला धर्मशाला के जस्ट सामने से आपको राम जन्मभूमि पथ दिख जाएगा, जो कि अपने वीडियो में हम बताए हैं उस पथ के द्वारा आप आगे कैसे जा सकते हैं। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ से आप राम जन्मभूमि दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहीं से दर्शन करने के बाद निकलते समय आपको भक्ति पथ दिख जाएगा, जो कि हमने उसका भी वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको देखिएगा। उसके बाद आप भक्ति पथ पर जाने के बाद आप सीधे वहाँ से जो कि हनुमानगढ़ी, वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी के बगल में जो कि राजा दशरथ महल भी दिख जाएगा, उसी के बगल में कनक भवन भी दिख जाएगा, ऐसे ढेरों सारी प्राचीन और ढेरों सारी अद्भुत मंदिर उसी रास्ते पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप आगे चले जाएंगे, राम की पैड़ी देखने को मिल जाएगा। आप इस साइड देखिए, ये जो अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन है, आप साइड देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा, काफ़ी बहुत ही छोटा बनाया गया था। इसके सामने ये अब इसका बच्चा लगता है, अब साइड चेक करिए, काफ़ी छोटा है। लेकिन फिलहाल अभी यातायात का साधन जो है यहीं से ट्रेनें वगैरह रन कर रही हैं, अभी वो बंद है। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ से आप कैसे राम जन्मभूमि दर्शन कर सकते हैं वो दिखाते हैं। क्योंकि अयोध्या का ये पुराना रेलवे स्टेशन है, आप जब कभी भी आइए तो इसी रेलवे स्टेशन पर अभी आएंगे, इसके पश्चात ये नया रेलवे स्टेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इधर से भी आ सकते हैं। आप यहाँ आने के पश्चात आप इस साइड से निकलिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ढेर सारी ऑटो वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑटो वगैरह यहाँ पे देखने के साथ साथ हम इन्हीं से पूछते हैं कि जो कि राम जन्मभूमि जाने का कितना किराया लेते हैं। इस साइड देखिए, आपको ढेर सारी ऑटो वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई दिख जाएंगे, तो हम लोग कुछ ऑटो वाले से ही पूछेंगे कि राम जन्मभूमि जाने का क्या चार्ज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये भैया का ऑटो है, तो भैया ये बताइए राम जन्मभूमि जाने का क्या चार्ज आप लोग लेते हैं? कितने रुपये? 10 रुपये। यहाँ से 10 रुपये कहाँ लेके जाके छोड़ते हैं? राम जन्मभूमि मतलब ये बिड़ला धर्मशाला के पास, वहीं पर 10 रुपये यहाँ से लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे आइए, रेलवे स्टेशन पर आइए, यहाँ से ऑटो पकड़िए और यहाँ से सीधे आप बिरला धर्मशाला के पास जाइए, उसी के जस्ट सामने आपको राम जन्मभूमि पथ दिख जाएगा, जो कि इसी रास्ते से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। चलते हैं इसके आगे और भी दिखाते हैं कितने दूर का ये रास्ता है, जो कि आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे, अगर रिक्शा ना लेना चाहे। इस साइड से आपको चलना पड़ेगा, जो कि सीधे आप बिरला धर्मशाला के पास ही निकलिएगा। यहाँ से अगर कहीं भटकते हैं तो आप एक बार आस पास के दुकानदारों से पूछ लीजिएगा, हमें बिरला धर्मशाला जाना है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस मुश्किल से 200-300 मीटर का है। आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये रास्ता आपको देख सकते हैं, सीधे आपको देखते हुए आपको ये बिरला धर्मशाला जो कि राम जन्मभूमि पथ के जस्ट सामने निकालेगा, आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पहचान
हो सकता है आप यहाँ पे अनेकों ढेर सारे रेस्टोरेंट होटल वगैरह, इधर हनुमत रेस्टोरेंट जो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये देखिए, और ऐसे आपको ढेर सारे यहाँ पे जो कि धर्मशाला और ढाबा वगैरह आपको भोजनालय वगैरह इसी रास्ते पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मित्रों वही हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं कि आप राम जन्मभूमि आते हैं तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जाके दर्शन कर पाते हैं, आप लोगों को कोई असुविधा ना हो यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, बस आप थोड़े दूर में आपको यहाँ पे जस्ट इस रोड के सामने जस्ट निकलेंगे आपको श्री राम हॉस्पिटल आपको दिख जाएगा। आप यहाँ सामने देखिए जो एक पिंक कलर में रंगा हुआ है सामने, ये श्री राम हॉस्पिटल है हमारे। अब राइट साइड चलते हैं हम लोग, अपनी दिखाते हैं कि राइट साइड चलते हुए आपको बिड़ला धर्मशाला आने वाला है। बिड़ला धर्मशाला जो कि एक बहुत बड़ा धर्मशाला है, और इस साइड आप देखिए, और इधर चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं। इस साइड थोड़ा सा और आगे चलना है, बस मुश्किल से 200 मीटर की दूरी है अयोध्या रेलवे स्टेशन से यहाँ की, क्योंकि आप अगर आना चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। इस साइड आप देखिए ये बिड़ला धर्मशाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इधर दादी जी थोड़ा साइड हो जाइए। इस साइड आप देखिए कि आपको बिड़ला धर्मशाला दिख जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट बगल में जो कि, और थोड़ा आगे चलो, और इस साइड आप देख सकते हैं कि बस यहाँ बिड़ला धर्मशाला, और इस साइड आपको राम जन्मभूमि पथ दिख जाएगा। आप यहीं से पैदल अपना लॉकर सेवा में हर चीज़ यहाँ पे जमा करने के बाद आप आगे जा सकते हैं और जाके राम जन्मभूमि पे दर्शन कर सकते हैं। आप इस साइड देखिए, यही जो लोकेशन आपको हमने अच्छे तरीके से दिखाया। इसी प्रकार से आपको कोई भी और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नए नए अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।